सत श्रीकाल जी, डेली पोस्ट पंजाबी तुसी वेख रहे हो ते मैं हाँ गगन शुक्ला जी। हाँ, पंजाब दे सरकारी स्कूलों की गल की जाए तो हालत बेहद खस्ता है। इसकी हालत किसी तो छुपी नहीं है। जिहड़े स्कूल ने वो दिन प्रतिदिन जिहड़े बंद होंदे जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की कमी जिहड़ी लगातार होंदी जा रही है। इसे नूं लैके मेरे नाल प्रिंसीपल जसवीर चंद्र ने गलबात करदे उन्हां नाल लंबे समय तो जिहड़े प्रिंसीपल ने करीब 25 साल तो सेवा कर रहे हैं बच्चों की, उन्हां नाल गलबात करदे आ। सर, सरकारी स्कूलों के ढांचे की अज्ज गलबात करन दे लई तुहाडे कोल पहुंचे हाँ, क्योंकि जे गल की जाए करीब पिछले 10 सालों तो जिहड़ी सरकारी स्कूलों की हालत आ वह बेहद खराब होंदी जा रही है, क्योंकि जिहड़े स्कूल ने उन्हां दे विच टीचर्स काफ़ी एजुकेटेड ने, पर जिहड़े बच्चों की कमी वह दिन पर दिन हो रही है। कारण की है इहदा? सर, उहदा जिहड़ा मेन कारण है कि एक जिहड़ा स्कूलां दे विच जिहड़े टीचर्स ने जी, उन्हां कोलों जिहड़े ने एजुकेशन तो इलावा कई होर उन्हां दीआं ड्यूटियां लग जांदियां, वह भी एक फैक्टर है। फिर एक साडा जिहड़ा देश है उहदे विच लोकतंत्र होण करके जिहड़ा भी कोई लोकल लीडर हुंदा उहदी इनवॉल्वमेंट वध जांदी है। जदों उहदी इनवॉल्वमेंट वध जांदी आ फिर वह अपनी मर्जी दे यानी कि टीचर, प्रिंसीपल, डीओ वगैरह सारे वो लगवाते हैं। उहदे विच फिर उन्हां दे अगों एक सपोर्टर हुंदे आ, वह फिर एक इदां दी गेम बन जाती है कि जिहदे विच जिहड़े टीचर मेहनत करन वाले हुंदे आ जदों इग्नोर होने शुरू हो जाते हैं तो मेरे मुताबक फिर उदों काम करन दा इंट्रस्ट घट जाता, क्योंकि उदों ये भावना आती कि यार मैं सारा दिन ईमानदारी नाल पीरियड ही पढ़ाता रहना तो ये बंदे सारा दिन कोई डीओ ऑफिस घूमन गया, कोई किहड़ी जगह घूमन गया, सवेर दा गया शाम तक आया ही नहीं और उन्होंने कोई पुछता ही नहीं, फिर वह भी क्लास च काम करना बंद कर देंगे, घटा देंगे। मेरे मुताबक जिहड़े पोलिटिकल जिहड़ा हैगा इनवॉल्वमेंट सरकारी स्कूलों के घट होनी चाहिए है, जिहड़ियां बदलियां वगैरह जो भी है उन्हां दे काम दे यानी कि उन्हां दी जिहड़ी एजुकेशन दित्ती है किन्ने बच्चे पास होए आ, किन्ने बच्चों ने किन्ने परसेंट नंबर ले आ, उहदे मुताबक उन्हां दी इंक्रीमेंट वगैरह सारा उदां लगना चाहिए। जी, गल करी जावे प्रिंसिपल सर तां उहदे विच इह करीब पहलां जिहड़ियां क्लासिस हुंदियां सीगियां सरकारी स्कूलां दीआं तां जिहड़े बच्चे सीगे उह फुल क्लासिस हुंदियां सीगियां। इस वेले दी गल कीती जावे तां जिहड़े टीचर्स ने उह ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਓ, ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਓਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 10th ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ PMT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ AI EEE ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200-200 ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ 200 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ 8 ਘੰਟੇ 7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ।
सर मैं एक गल तुहाडे तो मेरा खुद का जिहड़ा सवाल है वह है क्योंकि जे पंजाब दे सरकारी स्कूलों की गल की जाए तो जिहड़ी शुरुआत है वह प्राइमरी स्कूल तो होंदी है क्योंकि इस वेले जे प्राइमरी स्कूल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ज़्यादा ठीक नहीं, काफ़ी बच्चों नूं एक टीचर पढ़ाता है क्योंकि जिहड़ा बेस है वह बन नहीं पाता क्योंकि सरकार नूं जरूरत नहीं है सरकार प्राइमरी स्कूल दे वल ध्यान देण दी क्योंकि प्राइमरी दी बेस बन तो बाद बच्चा मिडल स्कूल जाता है क्योंकि प्राइमरी और मिडल नूं बना के एलीमेंट्री बनाया गया पर इस वेले जिहड़े दोनों की हालत बेहद जिहड़ी खराब कही जा सकती है क्योंकि जिहड़े बच्चे ने वो रोज़ गिणती घटती जा रही है क्योंकि की लोड़ की है कि हुण इस वेले जे देखा जाए तो सिर्फ गिने चुने बच्चे ही सरकारी स्कूल दे विच लगते हैं, कहा भी जाता है कि एक ट्रेंड चलता प्राइवेट स्कूल जाने का, इस जिहड़े सिक्ख्या के ढांचे नूं बदलन दी ताकि लोग ने जिहड़े वो एक बार फिर तो सरकारी स्कूल का रुख करन, किदां दे कदम ने जिहड़े सरकार नूं चुकने चाहिए, तुहाडा की व्यू पॉइंट है जी? देखो सरकार नूं चाहीदा कि जिहड़े छोटियां जमातां जिंदा फस्ट तो फिफ्थ क्लास तक दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर देन, वधिया उन्हां नूं टीचर लगान और लोकां दा विश्वास तां ही जित्तिया जा सकदा है। और जिहड़े पेरेंट्स है उन्हां नूं इह कोई एलर्जी नहीं कि भी असीं सरकारी स्कूल नहीं लगना, वो लगना चाहते हैं क्योंकि जिहो जिहे हालात है देश दे विच उन्हां नूं प्रॉब्लम है, पर बेसिकली कोई भी जिहड़ा वो अपना दा ये लगान ते तैयार नहीं और रिस्क लैण नूं तैयार नहीं क्योंकि वो जे उहदा बच्चा पढ़ ही ना सकिया, वह कहिंदा मेरा इक्को इक बच्चा, अजकल एक मुंडा हुंदा एक कुड़ी हुंदी है, किसी दे घर इक ही बच्चा हुंदा, वो कहिंदा यार इक्को इक मेरा बच्चा है मैं उहदे लई कमाना है, तो जे मैनू मेरे बच्चे नूं जे ना मिलिया, मेरे नाल दे गुआंढी दा बच्चा प्राइवेट स्कूल पढ़ रहा और मेरा बच्चा सरकारी स्कूल दे विच जेकर ना उन्हों उस मुकाबले की जो ना मिले तो वह पिछड़ जाएगा, उस करके जाने कि सरकारी स्कूलों में विश्वास तो जगाना ही पेगा, जो विश्वास हूँ ये जोड़ा मंत्री मंडल तक जोड़े जोड़े मंत्री ने उन्होंने पूरे इदा के स्टैप चुकने चाहिए आ जिदे कि टीचरस को कोई इदा के पोलीटिकल काम ना कराओ और टीचर जिनी देर तक तुम जे जिन्हें भी टीचर तुम रखे है उन्हां सारे टीचरां नूं ये ना सोचो कि मेरा खास है जां मेरा ये, उन्हूं क्वालिटी किद्दां दी दे रहा, वो इंपार्टिंग ऑफ एजुकेशन किद्दां दी है उहदी, उहदे उत्ते डिपेंड होएगा। बस सरकारी स्कूलों का ढांचा खराब करने के लिए पोलीटिकल जमात किन्नी क जिहड़ी गुनाहगार लगती है तुहानू, क्योंकि पोलीटिकल लोग जे कहा जाता काफ़ी असं इंटरव्यूज़ कीतियां लोगों का कहना है कि काफ़ी पोलीटिशियां दे अपने वड्डे वड्डे स्कूल ने, सो पोलीटिकल जमात का किन्ना क वड्डा रोल है सरकारी स्कूल नूं इस स्थिति ते लैके आउण दे लई? नहीं देखो गल इदां कि कोई एक टीच एक लीडर होएगा उहदा अपना स्कूल होएगा पर वह किन्नी देर लीडर रहिंदा, पाँच साल बाद उस सरकार दूजी आ जाती है भी वो दूजी सरकार जिहड़ी है भी वो गल नहीं चलती, गल यही है कि जिहड़ी साडी एजुकेशन सिस्टम है सरकारी पद्धर ते जिहड़ा हैगा उहदे विच सानू लोकां नू जिहड़े टीचर्स नू जॉब मिलती है उन्हां नू इहदी कदर होनी चाहिए कि भी सरकारी जॉब का मतलब है कि एक बहुत वड्डी अचीवमेंट है क्योंकि वह सरकारी जॉब कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि वह बच्चों नू वधिया पढ़ाए और क्वालिटी दे। बहुत मेहरबानी। सो ये प्रिंसीपल जसवीर चंद्र ने इन्हों का कहना है कि सरकारी टीचर्स नू अपनी ड्यूटी नू तनदेही नाल निभाउणा चाहिए अते जिहड़े प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले दे लई मुकाबला करन दे लई सरकारी स्कूलों नू अपना रिजल्ट देना होगा, पेरेंट्स के प्रति अपना विश्वास बनाना होगा ता कि जिहड़ा एक बार मुड़ तो जिहड़ी सरकारी स्कूलों के रौनक पर सके। कैमरामैन वरुण दे नाल गगन शुक्ला, डेली पोस्ट पंजाबी। सत श्री अकाल। जे तुसी कैनेडा स्टूडेंट वीजे ते जाना चाहते हो पर आइल्स विच ओवरऑल तो 6 आ गए, एक विच 5.5 बैंड करके डरते हो, जां कैनेडा दा स्टूडेंट वीजा रिफ्यूज़ करवा बैठे हो, या स्टडी गैप ज़्यादा होने करके सोचते हो कि कितने रिफ्यूजल ना आ जाए, तो अज ही पिरामिड ई सर्विसिज़ नूं मिलो और कैनेडा जाने अपने सुपने नूं साकार करो।